ब्लैकलिस्ट कर दिया। जी लेकिन अब जब सब इंस्पेक्टर की पुलिस परीक्षा हुई है, उसमें आपने सवाल ही ऐसे पूछ लिए जो ना आईएएस उसको जवाब दे सकता है ना आईपीएस उसका जवाब दे सकता है, तो सिपाहियों से या सब इंस्पेक्टरों की परीक्षा में इतने कठिन सवाल क्यों पूछे गए? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है जी और विचारणीय है जी, मगर इसमें यह है कि जब काउंट ज्यादा होता है, पेपर देने वालों की संख्या ज्यादा हो और पोस्टें कम हो, तो हम डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देते हैं। कई बार क्या है, जैसे 5500 पोस्टें हैं मेल कॉन्स्टेबल की, अगर आसान क्वेश्चन में 6000 लोग 100% नंबर लेके आ जाएं, इंटरव्यू है नहीं, तो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है, और डिफिकल्टी लेवल भी इसलिए बढ़ाया जाता है कि वो सबके लिए है। जिसने भी पेपर दिए, एक बच्चा खुश हो जाए कि मेरे 60 क्वेश्चन ठीक है, सिलेक्शन किसकी होगी बलवंत जी? 85 वाले की, उसकी तो तब भी नहीं हुई, वो थोड़े दिन के लिए खुश तो हो सकता है। जैसे मेरिट कोई 80 पे चली गई तो डिफिकल्टी लेवल है तो 40 पे चली जाएगी। बच्चे तो उन्हीं में से सिलेक्ट होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है, 5500 पोस्ट है तो उन्हीं से बढ़ी जाएंगी, तो ये डिफिकल्टी लेवल का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें क्या है, जब जो रिजल्ट आया है अभी हमारा एसआई का 66% पे चली गई, तो अभी 40 पे चली जाएगी, 45 पे चली जाएगी जी। ये नहीं कह रहा हमें कि जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। अभी आपको सारी पोस्टें नहीं भर पाएंगे, अभी आपको हैरानी होगी जो लोग डिफिकल्टी लेवल पर पर्सन चिन्ह लगाते हैं, 54% लेके व्यक्ति आईएएस टॉप कर रहे हैं, 100 में से 54 नंबर लेके आईएएस को टॉप कर रहे हैं, और नीट का अभी एग्जाम हुआ, 30 नंबर वाले का एडमिशन हो रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल का वो है ना ये, तो 54 वाला टॉप है, इसका मतलब आईएएस 40 वाला भी लगा होगा, तो इसलिए मेल कॉन्स्टेबल वाला 40 पे लग जाएगा, इसमें कोई बड़ा इशू थोड़ी है। कुछ आयोग के पास इस तरह की शिकायतें भी आई है कि कुछ परीक्षार्थियों ने ये कह के कि उनके परिवार में किसी के पास जॉब नहीं है, 5-5 नंबर फालतू ले लिए, ऐसी कितनी शिकायतें आपके पास आई होंगी? जब से ये एसआई मेल और फीमेल का रिजल्ट हमने निकाला है जी, और हमने निकालने के बाद 2 दिन बाद ही डिटेल रिजल्ट निकाला।